सुरेश जी ऐसे बाहर लगा के आपको गले लगा नहीं सुनो जिंदगी गले लगा ले बहुत बढ़िया। तो हमारी न्यूज़ यहाँ तकरीबन 37-38 साल हो रहे इस गाने को और मैं पहली बार राजा साहब से मिल रहा था, इलैयाराजा जी जो भारतवर्ष के वन ऑफ दी टॉप मोस्ट और हाईएस्ट टैलेंटेड संगीतकार जिन्होंने मुझे खूबसूरत गाना दिया। जब पहली बार मैं मिला सिंपल सा आदमी छोटी कद सफेद कुर्ता और लुंगी सफेद और भस्म लगाया हुआ था और ऊपर वाला साक्षी है मैं बहुत ज्यादा उनके बारे में नहीं जानता था क्योंकि साउथ इंडियन फिल्म्स की तरफ म्यूजिकली मैं बेध्यान था। एक तो सबसे पहले लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी मगर संगीत तो सारे वर्ल्ड में वही है, सारे गवा बदानी सा सानी दबा मगारे सा, मगर होता है ना कि एक वर्ड समझ में आए म्यूजिक के साथ साथ तो उस गाने का ज्यादा मजा आता है। तो राजा साहब को मुझे उत्तम सिंह जी हमारे संगीतकार हैं और केवीसी लॉर्ड वो दोनों जगह लेके आए थे कि इनके सदमा के दो गाने गाने हैं, नई फिल्म है और पहली हिंदी फिल्म कर रहे थे राजा साहब। मगर इतना मजा आया, मुझे याद है ए जिंदगी जब गाना रिकॉर्ड हो रहा था कोई 150-200 म्यूजिशियंस थे और उसके अलावा गाना सुनने के लिए हमारी इंडस्ट्री के
बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस, कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स खाली गाना सुनने आए थे कि राजा साहब किस तरह काम करते हैं। आप सोचिए वो मंजर क्या होगा। वो बहुत बड़ा उत्सव था फिल्म सेंटर में। और मजे की बात है कि पहले 2-2.5-3 साल हालांकि ये गाना बहुत पॉपुलर है ये मुझे मालूम ही नहीं था, ध्यान ही नहीं आया, क्योंकि आप सबकी दुआओं से रोज कभी कभी 3-3, 4-4 गाने गाया करता था मैं इस स्टूडियो से उस स्टूडियो। जब एक प्रोग्राम में, शायद दिल्ली में था यह प्रोग्राम, और स्टेज पे मुझे कम से कम नहीं तो भी 50 चिट्ठियां आई थी कि ऐ जिंदगी गले लगा ले, गाना आप गा नहीं रहे। तो मेरा ध्यान गया ये तो राजा साहब का गाना है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अनाउंस किया कि भाई लोग ये गाना मुझे, वर्ड्स मेरे पास नहीं है, क्या कोई मुझे वर्ड्स दे सकता है? तो मैं एक दो गाने के गैप के बाद मैं ये गाना कोशिश करता हूं गाने की। आप सोच नहीं सकते 7वें या 8वें मिनट में एक खूबसूरत सी लड़की गाना लिख के लेके आई, तो और ज्यादा अच्छा लगा। और फिर मैं अंदर गया, गाना 2-3 बार सुना मैंने, और फिर मैंने आके वो गाना गाया, और मुझे 3 बार गाना गाना पड़ा। तो आप सोचिए उस गाने की क्या पॉपुलैरिटी हो सकती है। और उस गाने को अभी लेटेस्ट भी गाया गया है, तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। हमारे बच्चे ने ही गाया है, मेरे बेटे जैसा है अरिजीत सिंह। और जब श्रीदेवी जी इस दुनिया में नहीं रही, तो कम से कम जब जब भी उनका YouTube पे या कोई खबरों में आता था तो पीछे ये गाना बजता था। तो ये गाने की, ये किस्सा है इस गाने का। एक किस्सा सुरेश जी ने ही मुझे बताया, आपको बड़ा मजा आएगा उसको सुन के, बातचीत निकली। तो जब इलैयाराजा साहब आए और साहब ने देखा तो एक एक ईश्वर स्वरूप एक वो व्यक्तित्व है, और एक ईश्वर जब दूसरे ईश्वर से मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे की चीजें से वो होती हैं। उस टीम में एक 14 या 15 साल का बच्चा था, वो कीबोर्ड बजाता था, बहुत बढ़िया कीबोर्ड बजाता था, इतना बढ़िया कीबोर्ड बजाता था। उसका नाम था दिलीप, 12 या 13 साल का। आप सोचिए दिलीप नाम था उसका, जो बाद में पता चला। आप सोचिए उसका क्या नाम था, वो यार रहमान साहब। तो आप सोचिए कि मतलब ये ऐसे कुछ, बस इसी तरह के कुछ किस्से, कहानियां, अनकही कहानियां हमारे इस प्रोग्राम में आएंगी। यही इसका थीम है, यही है कि आप लोग सब एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। जिस प्रकार आप भी समझते हैं कि हमारी लाइफ में कितनी परेशानियां हैं, लेकिन कुछ छोटी सी खुशियां हमारी उन सब परेशानियों को दूर कर देती है। वही है ये जिंदगी गले लगा ले विद सुरेश वाडकर साहब। और ये मेरा वादा है दोस्तों आपसे कि इस प्रोग्राम में जितना सुरेश वाडकर साहब ने जान डाली है, मैं इतना बता सकता हूं कि आप सबकी जिंदगी, आपकी जिंदगी आपको गले जरूर लगाएगी। बहुत खट्टे मीठे हमारे जो अनुभव है, किस्से हैं, वो इस प्रोग्राम में आने वाले हैं, जो हो सकता है आप लोगों ने नहीं सुने हो। तो खट्टे और मीठे, तो आप जान सकते हैं खट्टे में कितनी खटास होगी और मीठे में कितनी मिठास होगी। 2 से 3 पेज लिखे जा सकेंगे हमसे खट्टे में आप लोगों के लिए। तो मैं बहुत आभारी हूं कुमार भाई का, और नाम भी इनके प्रोडक्शन का, स्टूडियो रिफ्यूल। तो रिफ्यूल तो रोज ही करना पड़ता है, और फिर स्कूटर हो या आपकी रोल्स रॉयस हो, पेट्रोल तो वही पड़ता है। तो मजा तो पेट्रोल का ही आने वाला है। और
मैं चाहता हूँ ये मैं पहली बार जिंदगी में इस तरह का कोई शो प्रोग्राम रेडियो के लिए कर रहा हूँ सबसे पहले, फिर साइमल्टेनियसली हम लोग इसके शोज भी प्लान कर रहे हैं। ये कारवां बनता रहेगा दोस्तों, ये एक एक फूल है, एक प्यारा सा फूल है, ऐसे जिंदगी गले लगा ले जिसकी खुशबू महकना बहुत जल्दी शुरू कर देगी और आप उसकी खुशबू सुन के इतना आपको फ्रेशनेस मिलेगी और ये कारवां आगे बढ़ता चला जाएगा, चाहे वो शोज के माध्यम से हो चाहे पॉडकास्ट के माध्यम से हो, लेकिन मजा आप सबको जरूर आएगा। जिंदगी गले लगा हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। दोस्तों मैं चाहता हूं ये पूरा ये गूंज उठे, ये इतनी सुरीली आवाज जो आप सुन रहे हैं, वी आर ब्लेस्ड कि सुरेश जी हमारे बीच में लाइव आपको ये गाना देगी, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आप बड़े, आप उम्र में छोटे भी होंगे और बड़े भी हैं, लेकिन ये आशीर्वाद स्वरूप आप इसे प्लीज लीजिए और एक जोरदार ताली बजा दीजिए। किससे गानों के साथ मैं लोगों को सुनाऊंगा और ऐसे गाने हैं जो लोगों ने सुने होते हैं, बहुत बाज वक्त ऐसी चीजें होती है कि मैं कहीं जाता हूं और समझ लीजिए इंडिया में भी या इंडिया के बाहर कोई गाना गाता हूं तो सडनली लोग एक दूसरे को देखते हैं, अच्छा ये इन्होंने गाया हुआ है। तो ये कब पॉसिबल होता है, जब आपके गाने रेडियो में बहुत ज्यादा बजे जाते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा सच है, रेडियो हमारी जिंदगी का एक इतना बड़ा आयाम है। मेरा ये मानना है कि कोई भी किसी भी तरह के क्वालिटी का चीज आप रिपीटेटिव बजाएं तो एक पल को ये लगने लगता है कि हाँ ये अच्छा है, लेकिन आप अच्छी चीज को, बेहतरीन चीज को और इतनी सुरीली चीज को आप बार बार बजाएं तो यही इसकी मर्म है, यही इस प्रोग्राम की आत्मा है कि किसी भी प्रकार से ये प्रोग्राम रेडियो पर आए, आप वो सुरीले गाने, वो सुरीला संगीत दोबारा से सुनना शुरू करें। ये मुहिम में आप सब लोगों का साथ 95% है जो दूसरा कंटेंट देते हैं, मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन हम 5% में सही हैं। अभी 5% कैसे उन 95% को जीत पाए, उसमें सिर्फ सिर्फ और एक ही साथ दे सकते हैं, वो सब आप लोग हैं। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा दोस्तों कि इस पूरे प्रोग्राम का मर्म समझें, सुरेश जी की एक साधना समझें इसको, कि वो इस अपने हर एक क्षण को वो संगीत के साथ जीना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूं कि सुरेश जी का कल बर्थडे, हम सुरेश जी के साथ जीवन भर रहे, उनकी उम्र हमारी सबकी उम्र भी लग जाए, वो इतना आगे व्यक्तित्व बढ़ाएं और इस मुहिम को इतना आगे चलाएं, बस ये सब आप लोगों का आशीर्वाद आप सभी दुआ से है। इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं आपको, और ये आप साथ दें इस मुहिम में तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सुरेश जी अरिजीत ने भी ये गाना गाया है, तो आपको उनकी गायकी के बारे में क्या कहना, खैर वो तो किसी इसके लिए मोहताज नहीं है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा गाने वाला लड़का है और मुझे अगर पूछें तो बहुत तैयार सिंगर है वो, तो क्लासिकल भी ऐसा गाता है कि आदमी हैरान हो जाए। तो और हमारे बेटों जैसा है, पद्मा को तो अभी भी वो मॉम ही बोलता है क्योंकि उसकी फेम गुरुकुल में ये उसकी मेंटर थी। क्या बात है, क्या बात है। सबसे ज्यादा दुख लगा जिस दिन उसको इन्होंने निकाल दिया, पांचवें नंबर पे, छठे नंबर पे। पद्मा इतना रोई थी आके घर में, तो मुझे रोज कहती थी कि सुरेश जी आप उस लड़के को सुने यार, क्योंकि वो सही में म्यूजिकल दुनिया में अपने आप में ही मस्त रहता था। वो बाकी के बच्चे हो सकता है मस्ती कर रहे हुए उधर, ये एक कोना पकड़ के सुरमंडल लेके गाने का रियाज करते बैठता था,
जब उसका मैंने गाना सुना है जिंदगी, बहुत खूबसूरत लगा। उसने अपनी आवाज में एक बहुत खूबसूरत उसका गुलाब बनाया था उसने, जो हमको बहुत अच्छा लगा। भगवान उसकी हमेशा रक्षा करे और वो भरपूर गाते रहे, ये हमारी ख्वाहिश है और उसका आशीर्वाद है। अच्छा, मेरे दो सवाल हैं। ये कौन से रेडियो पे आएगा? विल इट बी नेशनली और इंटरनेशनली? इट विल बी नेशनल। मैं माफी चाहूंगा आपको बीच में जाना, रिवील अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कुछ चीजें पर्दे के पीछे रहें तो उनका आनंद कुछ और ही आता है। तो अभी ये एपिसोड्स अगले वीक से बनना शुरू होंगे, लगभग 200 एपिसोड हम लोग बना रहे हैं। ये प्रोग्राम दर्शकों के सामने या रेडियो पे जब भी है, ये मेरे ख्याल से आप ये मान के चलिए कि दिवाली का हम आप सबके लिए गिफ्ट होगा। बट किस चैनल पे आएगा ये शायद ऐसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करेंगे उस टाइम पे हम रिवील करेंगे। सुरेश जी, मेरा लास्ट सवाल आपके लिए, आपने कहा खट्टी मीठी बातें बताएंगे, मीठी बातें तो खैर बताएंगे ही, खट्टी बातों को कितना एडिट करेंगे? खट्टी बातों को एडिट नहीं किया जाता है, क्योंकि वो होती ही खट्टी है, तो कितना एडिट करेगा इंसान। आई प्रॉमिस कोई खट्टी बात एडिट नहीं होगी। खट्टी बात सुन के ही तो आपके मुंह में पानी छूटेगा ना, तो उसको तो पूरी बोलनी पड़ेगी। और शायद वो सीख होगी, वो सीख होगी इतने बड़े लेजेंडरी इंसान जिसके लिए खट्टी होगी ना, उसकी जिंदगी बन गई। क्यों? क्योंकि उसको किसी ने बोला नहीं कि जब आदमी कलाकार बहुत बड़ा बन जाता है, बहुत आगे बढ़ जाता है, तो उसकी कमियां किसी को नजर नहीं आती, उसके अच्छे ही नजर आते हैं। लेकिन इतना बड़ा लेजेंडरी एक व्यक्ति जब वो खट्टी बात बोलेगा तो वो इतना इतना ज्यादा, मतलब उसको कहते हैं ना चंदन और पानी, वो सब कुछ हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ और बढ़ जाएगी। देव जी, आप IIT से एंकर और प्रोड्यूसर बन गए, इसके ये कैसे हुआ? देखिए, ये सब माता और पिता का आशीर्वाद होता है, हम तो कुछ होते नहीं है, जीन्स होते हैं। आप जो पिताजी, मेरे पिताजी कथावाचक थे और बड़े ही सुरीले गीत भजन गाया करते थे, उसी तर्ज पर हम लोग कुछ आगे बढ़े। लेकिन जीवन के जीवन देखा जाए तो बहुत कठिन है और देखा जाए तो बहुत सरल भी है, आप कैसे अपनाते हैं इसे इस बात को आपको देखना होता है। बट कठिनाइयों का जो जीवन होता है उसमें बहुत कुछ सीख मिल जाती है इंसान को। तो ये यूं मान लीजिए कि जैसे किसी को जीन्स में डायबिटीज होती है, किसी को वो होती है। मुझे संगीत नहीं आता है, मैं इतना ज्ञान नहीं रखता संगीत का, लेकिन हाँ मैं संगीत के लिए जीता हूँ। ये प्रोग्राम, यहाँ आना, सुरेश जी तक मुझे पहुंचाना, रमन भाई का माध्यम, सचिन भाई का माध्यम यहाँ तक ले आया, तो मैं खुद नहीं आया, ये किसी ईश्वर की लीला है जिसको मैं सिर्फ, उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी और मैं यहाँ तक चलाया। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, कोई भी योगदान नहीं है सर। मुझे जिस लायक ईश्वर ने बनाया, मेरे माता पिता ने बनाया या मेरे दोस्तों ने बनाया, मैं उसी तर्ज पर आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले सुरेश सर चरखा गाना सुनना चाह रहे थे सर, सारे रिपोर्टर्स, उन्होंने पहले ही बोला था कि सर आएंगे तो चप्पा चप्पा चरखा चले। क्या बात है, तैयारी पूरी है। देखिए, मैंने जिनसे गाना सीखा है, मेरे गुरुजी पंडित जियालाल वसंत, जब मैं उनके पास आया था तो मैं गिरन गांव से हूं, आप समझते गिरन गांव नहीं, गिरन गांव जहां मिल्च घोर है, परे ले गया लोअर परे, मेरा जन्म वहां से है। तो हम तो थोड़ा भी बच्चा बड़ा होता है हमारे घरों में, तो 15-16 साल की उम्र में उसको नौकरी वोकरी करनी पड़ती है। मगर बचपन में मुझे, मेरे ख्याल से 4 साल का था,
तब मेरे फादर को बहुत शौक था म्यूजिक का, उन्होंने जब मुझे गाते हुए सुना ना तो उनको लगा कि ये मेरा बच्चा अच्छा गा सकता है अगर मैं इसको गाना सिखवाऊं। मगर हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो मुझे गुरुजी के पास लाके उन्होंने छोड़ दिया कि पंडित जी आप इसको, मुझे ना इसको बैरिस्टर बनाना है ना डॉक्टर बनाना है, मगर मेरा बेटा एक अच्छा गाने वाला होना चाहिए, इसके लिए हम इसको इधर छोड़ देते हैं, हम लोग कभी आएंगे नहीं, पूछेंगे भी नहीं, बस आप इसको गाना सिखा दीजिए। तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मेरे मदर फादर ने ये मेरे लिए सोचा। तो उन्होंने कभी किसी से एक नया पैसा फीस नहीं ली, पहली बैच वो म्यूनिसिपल स्कूल से लाए थे। ऐसे ही मैं 8 या 9 साल का था तब उनके पास गया, फिर जिसको सदगुरु मिल जाता है जिंदगी में उसको सब कुछ मिल जाता है। तो मैं गुरु घर घर में रह के गाना सीखा, मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी की। तो गुरु जी के जाने के बाद मैंने सोचा कि कहां कश्मीर से आए थे हम, बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा किया है उन्होंने, तो ये जो उन्होंने पेड़ लगाया है इसको अभी सींचना बड़ा करना हमारा धर्म है। तो म्यूजिक स्कूल जो आजीवासन आप आते रहते हैं शायद, बिल्कुल उसका निर्माण हुआ। आज वहां 2,500 बच्चे गाना बजाना सीखते हैं। उसी में से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आप लोग सुन रहे हैं इन दिनों, स्वप्निल बांदोड़कर है, विजय प्रकाश है, राहुल वैद्य है, हमारा श्रेयस पुराणिक है, रविकांत त्रिपाठी है, और अभी आपने नया सुपरस्टार अथर्व बख्शी जो अभी अभी जीता है वो मेरे आजीवासन का ही स्टूडेंट है। तो सोचिए हमने ये बीड़ा उठाया है कि नई जनरेशन हम हमारे सुनने वालों के लिए इस दुनिया में लाए। तो ये हमारा बेसिक, हमारा आजीवासन बनाने का ये विचार था, और बहुत अच्छे से अब इस वक्त आजीवासन का बहुत नाम है सारी दुनिया में, म्यूजिक की दुनिया में, और अच्छे अच्छे बच्चे आप सुन के हैरान हो जाएंगे, ऐसे ऐसे बच्चे तैयार हो रहे हैं। मैं सिखाता हूँ, पद्मा सिखाती है, मेरी बड़ी बहन सिखाती है, मेरी बड़ी बेटी भी सिखाती है, वो अथर्व बख्शी मेरी बड़ी बेटी का ही शागिर्द है।